नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सागर है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वायरल वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं, वो कौन सी वीडियोस होती हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में सब्सक्राइबर्स देती हैं, जब आप कुछ दिनों तक वीडियो ना भी डालें तब भी आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे, और ऐसी कौन सी वीडियो होती है जो आपको तुरंत सब्सक्राइबर देती है, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर देती है और जो वायरल हो जाती है। ये टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है ये चीज़ आपके लिए काम ना करे, ये चीज़ मेरे लिए काम करती है, हर बार करती है, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये आपके साथ भी काम करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं उन वीडियोज़ की जो हमें रेगुलर बेसिस पे सब्सक्राइबर्स देती रहेगी। ये वो वीडियोस होती हैं जो सर्च रिजल्ट में आती हैं, जो वीडियोस आपकी सर्च रिजल्ट में रैंक कर जाती हैं, जिनके लिए कंपटीशन कम होता है। अब ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर हो, ज़रूरी ये है कि ये उस टॉपिक पर हो जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, और यही वीडियो होती हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में मदद करती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में मदद कैसे करेगी? फॉर एग्जाम्पल, आप एक वीडियो बनाते हैं हाउ टू मेक थंबनेल। वैसे इसको सही ना माने आप, क्योंकि ये जो कीवर्ड है बहुत कॉम्पिटिटिव है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, हाउ टू मेक थंबनेल। अब ये वीडियो आप बना देंगे तो अभी कोई थंबनेल का मेला तो नहीं लगा है, थंबनेल की कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही है कि सब लोग थंबनेल के बारे में सर्च कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये कि ये टॉपिक ट्रेंडिंग नहीं है और ये आपको तुरंत सब्सक्राइबर्स या तुरंत बहुत सारे व्यूज नहीं देगा, ये आपको धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स देगा। जो लोग ये सर्च करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि थंबनेल कैसे बनाना है, उनको अगर आपकी वीडियो सर्च रिजल्ट में नजर आती है आज, और आज से एक साल बाद, दो साल बाद, तीन साल बाद भी, तो अगर आपको उनकी वीडियो आपकी वीडियो उन्हें पसंद आएगी तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एक साल बाद भी। तो ये वीडियो वो है जो आपको लॉन्ग टर्म में सब्सक्राइबर्स देगी और आप कॉन्स्टेंट रेट पर अपने सब्सक्राइबर्स चैनल के बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी वीडियो हम ये बात करते हैं जो तुरंत सब्सक्राइबर्स देती है और तुरंत व्यूज भी देती है। अब आप जानते हैं कि पोकेमोन गो गेम बहुत वायरल हुआ था, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे मीम्स बनते हैं जो कुछ वक्त के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं, बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। अगर उन पर आप वीडियो बनाते हैं तो आपको एक्सपोजर तुरंत मिल जाएगा। आपने देखा होगा कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो जियो की न्यूज़ बनाते हैं, जियो के बारे में बताते हैं, उनका चैनल तुरंत ग्रो करता है क्योंकि वो टॉपिक ट्रेंडिंग होता है, लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए सर्च कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ मैंने बात की थी, बहुत कम लोग कर रहे हैं लेकिन वो आज से एक साल दो साल बाद भी करेंगे। जियो का मॉनसून ऑफर निकला है तो वो लोग मॉनसून में ही सर्च करेंगे ना, बाद में तो वो वैलिड नहीं होगा, तो उसी वक्त सब्सक्राइबर गेन करेंगे। ऐसे चैनल जो क्षणिक रूप की जो वीडियो बनाते हैं, जो सिर्फ ट्रेंडिंग वीडियो ही बनाते हैं, वो तभी सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं जब तक वो ट्रेंड चल रहा है। जबकि जो लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं जो कि ऐसे टॉपिक पर होती हैं जो आज से दो या तीन साल बाद भी सर्च किया जाए, और अच्छी बात, अगर उनकी किस्मत अच्छी है तो वो रैंक भी कर रहा है उस चीज़ के लिए, तो उनके सब्सक्राइबर्स आज से एक साल डेढ़ साल बाद भी बढ़ते रहेंगे अगर वो वीडियोज़ नहीं भी डालते हैं तो। जब तक उनकी वीडियो रैंक कर रही है और वीडियो अच्छी है तो सब्सक्राइबर्स गेन करेंगे। आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों तरीकों की वीडियो में क्या फ़र्क है, इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तुरंत बढ़ना है, क्षणिक बढ़ना है तो ट्रेंडिंग अच्छी है। अब आप इन दोनों तरह की वीडियो के कॉम्बिनेशन से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने चैनल को किस दिशा में ले जाना है। अगले एपिसोड में हम कुछ YouTube की और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हम और नए नए तरीकों की बात करेंगे कि कंपटीशन क्या होता है, चैनल को कैसे और ग्रो करना है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, SEO कैसे करना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम और डिस्कस करेंगे। YouTube से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप इस वीडियो में मुझसे पूछ सकते हैं। इन वीडियो को बनाया कैसे जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। खैर, आपको एग्जांपल तो पता, आइडिया लग गया होगा कि कैसे बनाना है और ये कैसे मदद करती हैं वीडियोस। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। और अगली वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप WhatsApp स्टेटस डालकर अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने चैनल मोनेटाइजेशन कैसे ऑन कर सकते हैं, इवन कॉमेडी क्लिप्स डालकर, मूवीज़ की क्लिप्स डालकर, कॉमेडी सीन डालकर भी आप अपने चैनल की मोनेटाइजेशन कैसे इनेबल कर सकते हैं, एक बिजनेस प्लान कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।